इधर एक बड़ी खबर धनबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां 4 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धनबाद से 4 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वैन के ड्राइवर पर लगा है छेड़खानी का आरोप। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छेड़खानी का आरोप लगा है, हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। वैन के ड्राइवर पर ही छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसे गिरफ्तार करने में सफलता भी मिल गई है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 वर्षीय बच्ची के साथ आखिर छेड़खानी की घटना कैसे हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के भूली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। के लिए हमारे सहयोगी अंबर हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंबर, देखिए 4 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? यह जो मामला है यह धनबाद के भूली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक निजी स्कूल के 4 वर्ष की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला जो है प्रकाश में आता है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। दरअसल यह जो पूरा मामला है, इसमें यह बताया जाता है कि जो बच्ची है उनके द्वारा अपने गार्जियन को जब वो स्कूल से लौटी तो यह जानकारी दिया गया कि जिस वह निजी स्कूल में पढ़ती है वहां पे जो ड्राइवर था उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही उसके बाद जब उसने अपने गार्जियन को इसकी जानकारी दी तो गार्जियन तत्काल तुरंत स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से इस विषय में बातचीत की। उसके बाद फिर इसकी लिखित शिकायत जो है थाना में दिया गया, जिसके बाद एक्शन में पुलिस आई। देखिए देश में जहां एक और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, देख रहे हैं हर एक और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ऐसे में जो घटनाएं हैं इस तरह की घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस हरकत में तुरंत आई और जो भी आरोपी था, जो ड्राइवर है, उसे भूली ए ब्लॉक का रहने वाला था, वो उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है और आज उसे उसका मेडिकल करा के फिलहाल जेल भेज दिया गया। अंकिता जी, अंबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां 4 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।